हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके पास अगर यामाहा SZ RR बाइक है, अगर आप उसका किक स्प्रिंग खोलते हैं या फिर किक स्प्रिंग टूट जाता है या चेंज करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये बुश को निकालना है, ये जो बुश है बुश निकालना है और स्प्रिंग को आपको निकाल लेना है, ये निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लगाते समय पहले स्प्रिंग लगाना है और बाद में बुश लगाना है। उनके बाद ये किक में एक वाशर होता है, ये वाशर आपको नीचे में लगा देना है। उनके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोल ये वाला जो है, आपको इनमें टच करना है। ये जो देख रहे हैं, इनका जो बीज जो होता है, ये जो पत्ती देख रहे हैं और ये चेंबर, इसके बीच में आपको टच करना है। तो ये जो लोल है उसी के बीच में घुसेगा, तो हम इसको पहले घुसाते हैं। देखिए ये घुस गया हमारा। अब इनको क्या करना है, एक किक लेना है, ये हमारे पास किक है और किक के मदद से आपको बुश को, देखिए इसमें आपको यानी कि सटा देना है। और सटाने के बाद क्या करना है, एक नोक पिलास लेना है। नोक पिलास की मदद से आप इस स्प्रिंग को उठाना है और उठाने के बाद इधर से घुमाने के बाद इसमें लगाना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। ये जो किक देख रहे हैं, इसको हमने खोल लिया हूँ और खोलने के बाद ये स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को आपको क्या करना है, इस सुराख में आपको डाल देना है। ठीक, ये हमारा किक लग गया है। उनके बाद ये जो पेनियन है हमारा फ्री घूमना चाहिए, उंगली से ये पेनियन फ्री घूम रहा है तो समझ लीजिए ठीक है। उनके बाद आपको क्या करना है, एक हाउसिंग लेना है। हाउसिंग ये हमारे पास हाउसिंग है आपको चेक करने के लिए कि हमारा सही से पेनियन बैठा है या नहीं बैठा है। देखिए एक वाशर भी होता है पतला वाला, आपको वाशर भी दे देना है। चेक कैसे करना है वो हम आपको बतला रहे हैं। एक वाशर दे देना है और इस हाउसिंग को आपको बैठा देना है। ये देखिए बैठ गया। उनके बाद हल्का सा इसको थोड़ा टाइट से पकड़ के रखना। उनके बाद ये हमारे पास किक है, इसको जैसे हम मारेंगे तो हाउसिंग घूमेगा, घूमता है। देखिए ये हमारा घूम रहा है, देख रहे हैं छोड़ो अब छोड़ो। देखिए ये हमारा सब घूम रहा है। देखिए ये हम जैसे किक मारेंगे ये हमारा सारा घूमेगा और टेंट से भी पकड़ के देख सकते हैं। देखिए ये आराम से घूम रहा है, जैसे हम किक मारेंगे तो ये हमारा सारा पेनियन घूमना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमारा किक रिचर्ड बैडी है। और उनके बाद यहाँ पे स्प्रिंग थोड़ा सा फलक गया है, देखिए हम इसको भी बैठा लेते हैं। दो मुँह का पेचकस, ये सब पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि स्प्रिंग हमारा छटक जाए। देखिए ये हमारा एकदम स्मूथ तरीके से स्प्रिंग बैठ गया है, ये भी हमारा कॉलर में बैठ गया है।
ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, और हमारा सारा घूम रहा है। तो आपको किक रेचर्ड इस तरह से बैठाना है और चेक भी किस तरह से करना है ये भी बता दिए हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आप किक रेचर्ड आसानी के साथ बैठा लीजिएगा यामाहा SZ RR का। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।